किसी के साथ कहीं कोई टक्कर नहीं है। और इस चुनाव में विशेष करके जो विपक्षी दल हैं भाजपा और आजसू जो मिल करके वो लोग दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टी एक तरह से मुद्दा विहीन है और अनर्गल आरोप हम लोग पर या हम लोग सत्ता पक्ष के लोगों पर इन लोग लगा रहा है। जगन्नाथ जी ने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जल जंगल जमीन को लेकर के पूरे झारखंड के जनता के अधिकार को लेकर के, वो चाहे गुरु जी का महाजनी आंदोलन का सवाल रहा हो, वो चाहे अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का सवाल रहा हो, या झारखंड बनाने के बाद झारखंड के लोगों को अधिकार देने की बात हो, स्थानीय नीति का सवाल हो या OBC आरक्षण का सवाल हो, हमेशा जगन्नाथ जी मुखर होकर के झारखंडी जनताओं का आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्हीं का परिणाम का ही देन है कि जब 2019 में पूरे झारखंड के जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन को जनादेश दिया 2019 में, और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में झारखंडी जनताओं की अपना सरकार बनी। आप लोग सभी लोगों को मालूम है सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना जैसा महामारी बीमारी आई, 2 साल तक पूरा देश दुनिया पूरा झारखंड उसी मस्त व्यस्त रहा, और इस कोरोना काल में विशेष करके झारखंड के लोगों को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को विशेष क्षति हुआ। हमारे 2 मंत्री मधुपुर से हाजी साहब जी का और आपके डुमरी से जगन्नाथ जी को लाख प्रयास करने के बाद भी हम लोग नहीं बचा पाए, उनका देहांत हो गया। और इस जनता झारखंड के जनता का और हमारे पार्टी का इसमें भारी नुकसान हुआ, और उन लोगों का जो सोच और सपना के मुताबिक हेमंत सोरेन जी ने, आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लोग 1985 का स्थानीय नीति लाया था, यही आजसू और भाजपा, यही चंद्र प्रकाश जो पूरा मिठाई बांटे थे, उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे, अभी आपका गिरिडीह के लोकसभा के सांसद भी हैं। स्थानीय एक सवाल पर ही लोग सवाल खड़ा कर रहा है, हेमंत सोरेन जी ने झारखंड विधानसभा में स्थानीयता नीति 1932 के खतियान आधारित विधानसभा में पारित करके, क्योंकि 9th शेड्यूल में संविधान के 9th शेड्यूल में डालने के लिए भारत सरकार को भेजने के लिए गवर्नर के माध्यम से विधानसभा से पारित करके उनको दिया गया, लेकिन भाजपा आजसू के इशारे पर उसको भारत सरकार को अग्रसित नहीं कर करके वो पुनः सरकार को त्रुटिपूर्ण बता करके रिटर्न कर दिया गया एक साजिश के तहत, ताकि 1932 आधारित खतियानी नीति झारखंड में नहीं बने और झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल सके। उसी तरह से आपने देखा OBC आरक्षण का जो मामला था, झारखंड बनने के बाद यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी और आजसू का यहाँ सरकार था, और इन लोगों ने किस तरह से OBC आरक्षण को इन लोगों ने 27% से 14% के, यही बाबूलाल जी के शासनकाल में 2001 में इन लोगों ने 27% OBC आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। हेमंत सोरेन जी ने OBC आरक्षण को बढ़ाने के लिए, ST SC आरक्षण को बढ़ाने के लिए कानून लाया, विधानसभा में उसको पारित कराया, गवर्नर को भेजा गया, चूँकि उसको भी संविधान के 9th शेड्यूल में करना जरूरी था, उसको भी राज्यपाल महोदय ने उसको वापस कर दिया। तो ये लोग नहीं चाहते हैं यहाँ के पिछड़े वर्गों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले, और ये लोग झूठा आलाप इन लोग इस चुनाव में लोग लगा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर भारत सरकार, यहाँ डबल इंजन की सरकार, जब रघुवर जी का यहाँ पर सरकार था, और आज भी जो इन लोग का जो मंसूबा है आप लोग देख रहे हैं, ED CBI और सेंट्रल का जो जांच एजेंसियाँ हैं, किस तरह से हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जो लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार यहाँ चयनित हुई है, चुनाव के माध्यम से जो सरकार बना है, उसको अस्थिर करने के लिए पहले विधायक लोगों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास ही लोगों ने किया, उसमें नहीं सका तो ED और CBI को लगा करके झूठा आरोप लगा करके, करप्शन का झूठा आरोप लगा करके ये लोग हेमंत सोरेन जी को तंग करने में लगे हुए हैं। पूरे झारखंडी जनता
हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है, और ये जो केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का ये जो एनडीए का जो साजिश है वो जनता झारखंड का जनता उसको सफल नहीं होने देगा। और यही हम लोग चूँकि पूरा हम लोग भ्रमण किए हैं क्षेत्र में, और क्षेत्र में हमको लगता है कि जगन्नाथ जी ने जो काम किया क्षेत्र के लिए और झारखंड के आवाम के लिए, उनके प्रति लोगों में बहुत सहानुभूति है, और बेबी देवी हमको लगता है रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, ये हम लोग को पूरा आशा और उम्मीद है।